आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं मार्केट्स का हाल आपके सामने, जहां पर सेल ऑफ इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी ना सिर्फ 25,400 बल्कि 25,350 के नीचे स्लिप होकर दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 0.2% की गिरावट के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी प्रेशर एक्सटेंड हुआ है, यहां भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1,000 पॉइंट नीचे आ चुका है, 2% गिरावट के साथ निफ्टी बैंक दिन के लोअर लेवल्स पर है, 1,124 अंक गिरा हुआ है मिडकैप इंडेक्स, ये भी 0.2% नीचे आ चुका है। तो चौतरफा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है, ना ही से फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि ब्रॉडर मार्केट से भी सेल ऑफ है, 0.2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए इंडिया विक्स 13.48 के लेवल्स पर 12.5% ऊपर आज के कारोबार में। तो यहां पर घबराहट जो है, नर्वसनेस जो है, वो साफ तौर से मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सभी, इनफैक्ट कोई भी आप सेक्टर उठा के देखेंगे, सभी फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में ऑन एन एवरेज 1.5-2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी अब 25,300 को तेजी से अप्रोच करते हुए 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर जो बिकवाली है, जो मूड है मार्केट का, वो फर्दर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है और सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार करें। निफ्टी के ही इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो 50 में से जो 45 स्टॉक्स है वो गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो कि हरे निशान में, जिसमें JSW स्टील, सन फार्मा, ऐसे कुछ शेयर्स है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोई लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन स्टॉक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए मार्केट की ब्रेथ एंटायरली नेगेटिव, 500 स्टॉक्स हैं सिर्फ जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1900 से ज़्यादा स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। देखिए आप सपोर्ट भी नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि जो बाकी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, स्टारडा स्टील या फिर JSW स्टील ही क्यों ना हो, बस इन स्टॉक्स की तरफ से बिकवाली में पार्टिसिपेशन नहीं है, गिरावट में पार्टिसिपेशन नहीं, ऑल्दो सपोर्ट इनकी तरफ से भी कोई खास नहीं है। ऑल्दो मेटल्स के बारे में बोलना होगा, मेटल्स हमने पिछले हफ्ते तेजी में देखे और इस हफ्ते की शुरुआत से भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा, आज ही वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दी है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट्स का हाल, लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार अगले 2 बड़े फैसले आज ले सकती है। मोदी सरकार आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषि संवर्धन योजना को मंजूरी दे सकती है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है, बताइए असीम। देखिए जब से मोदी सरकार ने तीसरा कार्यभार संभाला तब से किसानों की भलाई के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक के अंदर किसानों की भलाई से जुड़ी हुई 2 बड़ी स्कीम्स की घोषणा हो सकती है। पहली स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, इसके तहत जितने भी कृषि के स्टार्टअप्स हैं या पोस्ट हार्वेस्टेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी स्कीम है कृषि संवर्धन योजना, इसके तहत जितने भी दाल है, तिलहन है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे सकती है। सरकार दोनों ही स्कीम्स हैं, इनकी जो कुल लागत है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सरकार का इरादा है कि इसको राज्यों के साथ मिलकर के इसको लागू किया जाए। तो आज ये आप 2 बड़े फैसले किसानों की भलाई के लिए वो कैबिनेट से आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लैंड भवन का अपडेट अब आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते निलंबन के स्वाति होटकर या सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और अंशुल जैन के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। ऑल्दो टफ डे है आज, लीड कर रहे हैं अंशुल जैन 0.5% के रिटर्न के साथ। लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो तो -8.37% रिटर्न लैंड कर रहा है। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा अपडेट, मार्केट से बिकवाली सस्टेन होते हुए और इंटेंसिफाई होते हुए निफ्टी अब 25,323 पर ट्रेड कर रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आप देखिए न्योया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एनएलसी इंडिया के CMD प्रसन्ना कुमार एम से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।